वेलकम टू कर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर थर्ड का लास्ट पार्ट विच इज लैंड रिफॉर्म्स आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड एंड में कुछ मॉडल आंसर भी डिस्कस करेंगे ठीक है तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डू सब्सक्राइब गिवि हम्स अप एंड कॉमेंट से बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे जो चैप्टर वाइज पी डी एफ है नितिन सांगवान सर की लेटेस्ट एडिशन की बुक के वो अपलोड करती हूँ तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से आप नितिन सांगवान सर की बुक का पी डाउनलोड कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज़ लैंड रिफॉर्म्स एंड इंडिपेंडेंस तो लैंड रिफॉर्म्स हमने पढ़ लिया अभी तक जो ब्रिटिशर्स के थ्रू आए थे यहाँ पे तीन सेटलमेंट जो उन्हें लाई थी परमानेंट सेटलमेंट थी एंड सेकेंड वन वॉज ईयर रेहतवारी एंड थर्ड वन वॉज ईयर महलवारी सिस्टम ठीक है परमानेंट एंड रेहतवारी एंड महलवारी सिस्टम तो यहाँ पे देखते हैं हम ये तो था ब्रिटिशर्स का इसमें देखेंगे इंडिपेंडेंस के बाद क्या लैंड रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई और वो हमारी सोसाइटी के लिए कितना सक्सेसफुल रही है तो जो लैंड टन्यर सिस्टम है ब्रिटिश पीरियड में इट वाज नेगेटिवली इफेक्टेड इट नेगेटिवली इफेक्टेड द रूरल इकोनॉमी ये हमने देखा टैक्सेस काफ़ी हाई थे ठीक है पेजेंट्स के एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही थी एक तो उनको टैक्सेस पे करने पड़ते थे सेकेंडली उन जो ज़मींददार्स थे इंटरमीडियटीज थे वो उनको अपने वेस्ट इंटरेस्ट के लिए भी एक्सप्लाइट कर रहे थे तो उनकी डबल एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी कमर्शियल फार्मिंग को प्रमोट किया जाता था कमर्शियल फार्मिंग में आप क्या करते हो वो प्रोडक्ट्स जो है वो ग्रो करने की कोशिश करते हो जो कैश क्रॉप्स जिनको हम बोलते हैं जिनकी कमर्शियल वैल्यू होती है तो जो फूड प्रोडक्ट्स की लैंड थी उसको जो आपकी मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड थी वो डाइवर्ट करते थे वो कैश क्रॉप्स के लिए और कैश क्रॉप्स जो है मार्केट और क्रॉप्स आप इसमें ग्रो करते हो तो काफ़ी प्रॉब्लम्स इन सब चीज़ों की वजह से प्रजेंट्स हमारे फेस कर रहे थे एंड ये सब चीज़ें चल रही थी एग्रीकल्चर का बुरा हाल था अब अगर कुछ अब इसमें प्रॉफिट जनरेट भी हो रहा है वो दोबारा एग्रीकल्चर को बेटर बनाने के लिए इन्वेस्ट नहीं किया जाता था इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी एक बुरा हाल था इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे उन लाइंस पे नहीं लाई गई जैसे वो इंग्लैंड वगैरह में इंट्रोड्यूस हुई थी कास्ट डायमेंशन जो था इट वाज कंपाउंडेड द क्लास डायमेंशन जैसे हाई कास्ट जो थे वही आपके हाई क्लास वाले भी थे वही लैंड ओनिंग क्लासेस भी थी ठीक है और कॉलोनियल रूल के टाइम पे काफ़ी प्रेजेंट मूवमेंट्स जो हुई थी वो सामने आई थी बाद में उनको क्या किया गया था नेशनल मूवमेंट के साथ क्लब किया गया था और उनको प्रॉमिस किया था कि फ्रीडम मिलने के बाद उनका भी जो सेटलमेंट है वो किया जाएगा अगले कॉज जो था इट वॉज कम्बाइंड विद द नेशनल मूवमेंट ठीक है एंड जो प्रिजेंट क्लास है इट वॉज़ अश्योर्ड कि रिफॉर्म्स लाए जाएंगे एक बार कॉलोनियल रूल जब इनका ख़त्म हो जाएगा तो कुछ प्रेजेंट लीडर्स थे जैसे सर छोटू राम हैड ऑलडी वॉट मनी रिफॉम्स इन पंजाब एंड पिजेंस ऑल अक्रॉस इंडिया वर होपिंग फॉर बेटर डील आफ्टर इंडिपेंडेंस ठीक है तो ये सारा इंडिपेंडेंस से पहले प्रॉब्लम चल रही थी तो इंडिपेंडेंस के बाद कॉआ एज द डे ऑफ इंडिपेंडेंस अप्रोच नियर नेशनल इसको अब सोचना था ठीक है अब उन्हें प्रॉमिस तो किया था पिजेंस को अब वो कैसे फुलफिल करना है तो इस टॉपिक में हम यही देखेंगे कि क्या क्या प्रोमिस तो उनने फुलफिल करने की कोशिश की एंड वो किस हद तक सक्सेसफुल रहे हैं इनफैक्ट जो लैंड रिफॉर्म्स है इट वॉज वन ऑफ द की एरियाज ऑन विच द प्रोवेंशियल गवर्नमेंट्स पेड मच अटेंशन नाइनटीन फोटी सिक्स इट्स एल्फ क्योंकि काफ़ी फेमाइंस आ चुके थे जैसे सबसे बड़ा वर्स्ट हिट कौन सा एरिया था बेंगाल और प्रजल्ट की कंडीशन इतनी बुरी थी कि उनको काफी टाइम लगा एंड उनको काफी टाइम लेके इस चीज़ पर सोचना था कि अग्रेरियन जो कंडीशन है उनको हम डिस्ट्रेस से कैसे निकालें इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो लैंड रेवेन्यू रेट्स थे वो उतने हार्श नहीं थे जितने वो पहले हुआ करते थे इन एबसोल्यूट टर्म्स लेकिन बाकी एवेल जैसे जमींदारी सिस्टम जमींदारी सिस्टम से क्या हुआ था उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी ज़मींदार्स भी उनको एक्सप्लॉयट कर रहे थे एक्सप्लोइटेटिव टेनेंसीज लैंडलेसनेस एंड जो बैकवर्डनेस थी एग्रेडियन सेक्टर की वो काफी ज्यादा हाई थी सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन जो था वो एग्रीकल्चर सेक्टर में था और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन था जी डी पी पे कितना सिक्सटी परसेंट लेकिन जो स्ट्रक्चर ऑफ ये था एग्रेडियन इकोनमी ये इन बेस्ड था हाईली इनक्विश था ये ठीक है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि अभी करंटली प्राइमरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है कितने परसेंटेज़ ऑफ पॉपुलेशन उसमें इन्वॉल्व है हमारी में उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, है, कि साथ -साथ तो कि है पॉपुलेशन कितनी है उन चीजों में इंडिपेंडेंस के टाइम से माइनरिटी लैंड लॉर्ड्स के पास थी और लैंडलेसनेस काफी हाई थी एट द लेवल तो उनका क्या गोल था इस चीज को उनको कम करके लेके आना है वो जो रूरल पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 80 परसेंट थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस तो ये कुछ डेटा है जो आप आ, याद कर सकते हो इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था तो ये आपके आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा इनफैक्ट आपका इंट्रोडक्शन भी बन सकता है कई आंसर्स में तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते थे एटी ऑफ जो थी वो रूरल पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस थी आपकी ठीक है तो सबसे पहले इसमें क्या लैंडमार्क लाया गया एक रिपोर्ट आई थी ऑफ द कांग्रेस एग्रेरियन रिफॉर्म कमेटी ऑथर्ड बाय जेसी जे कुमार अप्पा ठीक है ये बिगेस्ट इसका सबसे बड़ा रिकमेंडेशन क्या था जो फ्यूडल इंटरमीडियटरीज हैं आपके उनको आप क्या करो एबॉलिश करो ठीक है जमींदार्स वगैरह जो बीच वाले हैं बिचौले मीडिएटर्स जो बनते हैं उनको एबॉलिश करो एंड इट कॉल फॉर लैंड टू द टिलर लैंड किसके पास होनी चाहिए डायरेक्टली टिलर के पास आपके टेनेंट्स फार्मर्स के पास और ना कि आपके जो रिच फार्मर्स हैं या आपके ज़मींदार्स हैं तो पहले जो फाइव ईयर प्लान जो थे गवर्नमेंट ने अपना इंटेंशन क्लियर किया कि इसको अग्रेडियन सेक्टर को बूस्ट करना है ठीक है और सेकंड प्लान में भी काफी ज्यादा रिफॉर्म्स लाए गए जैसे पहले फाइव ईयर प्लान आते थे ना उसके बाद क्या आ गया नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को उसने रिप्लेस किया तो पहले फाइव ईयर प्लान में जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान ही था उसमें अग्रेडियन सेक्टर की डेवलपमेंट की काफी बात हुई और सेकेंड में भी कॉन्सिक्वेंटली थर्ड में भी काफी रिफॉर्म्स जो है वो लेके आने लगे आप देखो इंडिपेंडेंट इंडिया हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा ट्वेल्थ शेड्यूल्स हैं उसमें से सेवन्थ शेड्यूल जो है उसमें बोला जाता है जो लैंड है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है स्टेट सब्जेक्ट है दैट मीन्स ये अपने स्टेट्स तक है कि वो कौन से लॉज एंड पॉलिसीज लेके आएंगे इसको बूस्ट अप करने के लिए ठीक आपके एग्रेडियन सेक्टर को ये स्टेट के जरिस्डिक्शन में आता है वन ऑफ द फर्स्ट टास्क जो मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स अंडर टुक वॉर्स अब पहला सबसे क्या उन्होंने करने की कोशिश की अबोलिशन किया और सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू और लैंड टैक्स कलेक्शन जो कि उनको टैक्स कलेक्ट करते थे वो लैंड से ठीक है क्योंकि एग्रीकल्चर आपका टैक्सेबल नहीं बनता है जब वहां से इनकम कमाते हो वो आपकी टैक्सेबल नहीं होती तो वो उन्होंने खत्म किया दूसरा था कि एबोलेशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड जमींदारी सिस्टम खत्म करो लेजिस्लेश लाए उसके लिए भी लेजिस्लेशन लेके आओ तो वेरियस स्टेट्स ने इसके

लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन जो था ये भी एक इंपॉर्टेंट एजेंडा था ठीक है कि आपको लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है इसके लिए इन्होंने क्या किया लैंड सीलिंग लॉज लाइए मैंने आपको पहले भी कहा लैंड सीलिंग लॉज का लैंड सीलिंग लॉज क्या होता है अपर लिमिट आप एक सेट कर देते हो कि, कि कितने परसेंट ऑफ लैंड जो है एक घर फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली हम ले लेते हैं एक घर जो है अगर बोला जाएगा उसके पास सिर्फ दो कनाल लैंड्स वो रख सकते हैं अपने पास ठीक है तो वो इसके लिए लैंड सीलिंग हो गई किस पे सीलिंग फिक्स की दो कनाल तो सीलिंग क्या होता है बेसिकली अपर लिमिट फिक्स की जाती है तो इससे क्या हो गया अगर एक घर में किसी के फाइव सन्स हैं ठीक है थीके? और उनके पास काफी ज्यादा लैंड है उनके पास फॉर एग्जांपल दस कनाल लैंड है तो वो क्या करेंगे वो फाइव पहले वो एक फैमिली में रहते थे तो जॉइंट फैमिली थी अब वो क्या करेंगे फैमिली स्ट्रक्चर भी इसे ब्रेक डाउन हो गया वो न्यूक्लियर फैमिली सेटअप लेके आएंगे कि पाँच बेटों को पाँच अलग घर दे दिया तो उन उनपे क्या होगा फिर लैंड सीलिंग जहाँ पहले पूरे घर की दो कनाल थी अब जहाँ पे पांच सन्स के फाइव हाउसेस बन गए अब हर हाउस का अपर लिमिट दो कनाल होगा टू कनाल यहाँ टू कनाल यहाँ टू कनाल्स टू कनाल टू कनाल्स तो टोटल इनका लिमिट एज अ फैमिली ज्वाइंट फैमिली कितना हो गया टेन कनाल जो कि इनको एक साथ रहने की वजह से कितना रहता था सिर्फ दो कनाल का तो फैमिली स्ट्रक्चर भी जो है वो चेंज होने लगा ठीक है तो ये थे कुछ चीजें जो स्टेट अंडर तो क्या था उसमें पहला एबोलिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन दूसरा हो गया एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज फिर हो गया आपका लैंड सीलिंग लॉज जैसे रिफॉर्म्स लेके आना ठीक है जिसमें लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर था कुछ स्टेट जैसे यूपी वगैरह उन्होंने कहा जमींदार्स पर परमिटेड टू कीप द लैंड क्योंकि बोला जाता था वो उनकी पर्सनल कल्टिवेशन के अंडर आता है और पर्सनल कल्टीवेशन क्या है इट वाज वेरी लूजली डिफाइंड तो कहने का मतलब क्या है जो लैंड रिफॉर्म्स रिफॉर्म लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन रिडिस्ट्रीब्यूशन लेके आना चाहते थे वो उतनी सक्सेसफुल नहीं थी क्योंकि स्टेट में क्या होता था जो आपके ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते थे वो रिच फार्मर्स और जमींदार्स के साथ वो उनका इकट्ठे काम करप्शन इतनी हाई थी कि वो उनके लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट ना हो इस चीज़ के इस चीज पर काफी काम करते थे लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया वर प्राइमरीली फ्रॉम अबो इन द फॉर्म ऑफ लेजिशन ठीक है तो फ्रॉम अबो आया ये लेजिलेशन एक तो आपका टॉप डाउन होता है और आपका बॉटम्स अप होता है बॉटम्स अप होगा आप विलेज के लेवल पे मतलब बेसिक लेवल पे कोई चेंज लाओगे और वो चेंज जो है उसके इफेक्ट आपको ऊपर लेवल तक देखने को मिलेंगे और ये आपका बॉटम्स अप आप होता है टॉप डाउन होता है आप टॉप डिपार्टमेंट में कोई चेंज लेके आओगे या कोई एक जनरल एक्ट लेके आओगे और देखोगे उसका इंपैक्ट जो है वो लोएस्ट लेवल तक कैसे पहुंचेगा तो ये क्या था बेसिकली वर लेजिस्लेश फ्रॉम द अबाउ तो पहले ही लाए फिर देखा उसका इम्पैक्ट जो है वो लोएस्ट लेवल तक कैसे पहुंचेगा अब डिस्पाइट द इंट्रोडक्शन ऑफ टेनेंसी और लैंड सीलिंग लेजिस्लेश लैंडलेसनेस थी अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी एज अ रिजल्ट सोशल एक्टिविस्ट और नेशनल लीडर्स जो थे उन्होंने सपोर्ट किया लैंडलेस पीजेंट्स को देखो यही वो रीज़न थे आपके जैसे नक्सल मूवमेंट वगैरह तेलंगाना मूवमेंट ऐसी सारी मूवमेंट से अभी भी नक्सल्स का जो इशू है वो लैंड रिफॉर्म्स को लेके और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेके ही रहा और इसी टाइम पे हमारी दो मूवमेंट्स आ गई थी बूदान एंड ग्राम मूवमेंट यहाँ पे थोड़ा तो डिटेल में लिखा हुआ है बूदान होता है जिसमें वॉलंटियरली जो है वो लैंड को गिफ्ट किया जाता था एंड ग्रामदान जो है वो कम्युनिटी को एक विलेज ही डोनेट कर देते थे विलेज डोनेशन इसमें होती थी इसमें भूदान जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल था ठीक है एंड uh, तेलंगाना नक्सल बारी मूवमेंट्स आ गई थी मिलिटेंट मूवमेंट थी जो uh, किस वजह से आई थी लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन के फेलियर की वजह से ये गवर्नमेंट पे फोर्स करते थे कॉज uh, करने के लिए इनेबलिंग लेजिस्लेश इनेबलिंग लेजिस्शन आपने पॉलिटी में पढ़ा हो गया बेसिकली क्या होता है जिसमें आप कोई uh, चीज़ जो है आइटम वो प्रेजेंट है वो कहीं लॉ वगैरह है लेकिन उसको इफेक्ट में लाने के लिए उसके सारे प्रिंसिपल्स को आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक सेपरेट एक्ट लाना पड़ता है जैसे लैंड रिफॉर्म्स की बात हो रही थी पॉलिसीज में था लेकिन वो चाहते थे इस पर इनेबलिंग लेजिलेशन लेके आए दैट मीन उसको काम में लाने के लिए उस पर एक लॉ बने उस पर एक एक्ट एक बने ठीक है लैंड जो स्टेट सब्जेक्ट था तो बिग लैंड लॉड से ट्राई टू इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज इन स्टेट्स क्योंकि जो बिग लैंड लॉड थे वो मिले हुए थे गवर्नमेंट आपके मिनिस्टर्स एंड आपके ब्यूरोक्रेट्स के साथ बेनामी ट्रांजेक्शन जो थी वर एंटर्ड इन टू बाई लैंड ओनिंग क्लासेस टू ट्रांसफर एक्सेस लैंड टू देयर नियर एंड डियर वंस अब देखो सीलिंग लेजिस्लेशन से हटने के लिए सीलिंग लेजिस्लेशन से खुद को बचाने के लिए और क्या तरीका होता था बेनामी ट्रांजेक्शन का बेनाम है बेसिकली उर्दू वर्ड ही है बेनामी मीन्स नो नेम्स का कोई नाम नहीं होता है तो लैंड अगर मेरी है मैं वो किसी और थर्ड थोर रिलेटिव के नाम पे रजिस्टर करूं अगर मेरे पास दस लाख दस कनाल लैंड है सिर्फ एक कनाल जो होगा वो मेरे नाम पे होगा ठीक है दो कनाल में किसी एक रिलेटिव के नाम पे रजिस्टर करूंगा दो किसी और के नाम पे रजिस्टर करूंगा ताकि सारी जो लैंड है वो मेरे पास ही रहे और मैं सीलिंग लेजिस्लेशन के अंडर ना आऊँ ठीक है तो मैं क्या करूंगा अपनी आधी प्रॉपर्टी दूसरों के नामों पर ट्रांसफर करके रखूंगा तो ऐसे सारी चीजें जो हैं वो लूप होल्स को देख के एक्सप्लॉय किया गया सीलिंग लॉज को इंप्लीमेंट किया लेकिन कुछ स्टेट्स में सक्सेसफुल रहा ये जो आपके लैंड री डिस्ट्रीब्यूशन था या सीलिंग लॉज जो भी इनको लेके रिफॉर्म्स लाए गए जैसे वो जम्मू एंड कश्मीर में काफी सक्सेसफुल रहा और यही एक रीजन है जम्मू एंड कश्मीर में लैंडलेसनेस काफी कम है ऑलमोस्ट वेरी मिनिमल अगर होगी भी एंड देन पॉवर्टी भी कम है यही एक रीजन है क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे लाए लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस जो यहाँ की दैन uh, गवर्नमेंटुल्ला the तो काफी अच्छे से सारा प्रोसेस हुआ था ठीक है लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन का यही रीजन है इतने टाइम कॉन्फ्लिक्ट में रहने के बाद भी स्टेट की जो पॉवर्टी है वो काफ़ी कम है एज कंपेयर टू सम बिग स्टेट्स ऑल एंड ऑल जस्ट अबाउट टू परसेंट ऑफ़ द लैंड कुड भी रिडिट्रीब्यूटेड तो बूदान ग्रामदान यहाँ थोड़ी डिटेल आप देख सकते हो कुछ नाम वगैरह याद रख सकते हो बूदान में जो जिनके पास काफी लैंड होती थी वो वॉलेंटरली अपनी लैंड गिफ्ट करते थे एंड ग्रामदान में क्या होता था एक विलेज ही अपनी लैंड डोनेट करता था, था फॉर कॉमन यूज कॉमन यूज के लिए ठीक है यहाँ पे कुछ डिटेल्स आप देख सकते हो जो बूदान थी वो ज्यादा सक्सेसफुल थी एज कम्पेयर टू ग्रामदान मूवमेंट जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई केरला में इट आल्सो लॉन्च्ड सिग्निफिकेंट लैंड रिफॉर्म मेजर्स लाइ थे अनलाइक द एफर्ट्स विनोद बावे जो आपके भूदान मूवमेंट के इम्पॉर्टेंट फिगर है जो कम्युनिस्ट इन कैरला थे डिंट गो फॉर रिडिट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग उन्होंने क्या कहा रिलेटिवली मॉडरेट या मोर एक्सेप्टेबल मेजर्स लाए थे जैसे सिक्योरिटी ऑफ टेनियर्स टू दिन उन्हें टेनियर्स टेनेंट को क्या दिया था कि जिस लैंड पे वो काम करे वहां पर उनको थोड़ी सिक्योरिटी दी थी कि आप टेनेट्स को एवेक्ट नहीं कर सकते लैंड से फाइन हिस्टोरिकली जो केरला है उनमें स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ एबसेंटी लैंड थे जो कंट्रोल करते थे मेजॉरिटी ऑफ़ द लैंड्स और जो टेनेंट्स थे वो किसकी मर्सी पे उनको रहना पड़ता था इन्हीं लैंड की मर्सी पे दैट मीन्स माइनॉरिटी ऑफ़ पीपल थे आपके एबसेंटी लैंड मैंने कल एक्सप्लेन किया था वो कौन होते थे तो वो माइनॉरिटी थे और मेजोरिटी लैंड जो होती थी वो इन्हीं के पास होती थी जो टेनेंट्स होते थे वो किन पर डिपेंड करते थे अब उनको इन्हीं पर डिपेंड रहना पड़ता था इसीलिए कहा था कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दे दो टू टेनेंट्स कि कुछ टाइम से पहले इनको आप लैंड से एवेक्ट नहीं कर सकते

इम्प्रूव करो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इट वाज अनदर डायमेंशन ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स के एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होनी चाहिए एक कोऑपरेटिव एलिमेंट भी लेके आए थे थ्रू फार्म क्रेडिट फार्म क्रेडिट क्या होता है आप जिसमें आप आ, आपके एग्रीकल्चर को बूस्ट करने की कोशिश करते हो थ्रू फाइनेंशियल रिसोर्सेज आप क्रेडिट्स वगैरह प्रोवाइड करते हो जैसे इंश्योरेंस हो गया या लोन वगैरह आप उनको देते हो ठीक है जिससे वो आगे प्रोडक्टिविटी uh, इंक्रीज़ कर पाते हैं अपने एग्रीकल्चर में तो फार्म क्रेडिट जो था जहाँ पे कॉपरेटिव सोसाइटीज़ काम करी थी कॉपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं आपकी जो बेसिकली uh, कुछ लोग मिलते हैं वो अपने रिसोर्सेज पूल करते हैं ठीक है रिसोर्स पूल करके एक जब अमाउंट बनता है उसको फिर उसके प्रॉफिट शेयरिंग होती है इक्वल बेसिस पे मेंबर्स में ये एक जनरल व्यू है आपके कॉपरेटिव सोसाइटीज़ का तो हमें अलग अलग सोसाइटीज़ अलग अलग फील्ड्स में कॉपरेटिव सोसाइटीज देखने को मिलती हैं जैसे आपकी मिल्क कॉपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या आपकी फार्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ठीक है एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं तो या ये क्या करती हैं हेल्प करती हैं लोन्स प्रोवाइड करती हैं बाकी रिसोर्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जो आपके एग्रीकल्चर कम्युनिटी वाले लोग हैं उनको तो इनको आप अपने इकोनमी मैंने इकोनॉमी में पढ़ा होगा प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटिव सोसाइटी तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट एन एग्री कॉपरेटिव सोसाइटी रिलेटेड टू योर एग्रीकल्चर वैसे ही शुगर एंड मिल्क कोऑपरेटिव्स भी आपके अमूल क्या है आपका अमूल आपका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव सोसाइटी की किसमें मिल्क कोऑपरेटिव्स में हाउ मोस्ट ऑफ दिस डिट वर्क रियल इन रियल स्पिरिट जो है कॉपरेटिव मूवमेंट का कि रिसोर्सेज पूल करो फिर सबको हेल्प करो वो नहीं हुआ था क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ रही थी एलीट कैप्चर की एलिट कैप्चर होता है जो भी रिसोर्सेज uh, आपको पब्लिक गुड के लिए यूज़ करने हैं वो कुछ एलीट्स ले जाते हैं वो रिसोर्सेज तो वो आपका सारा जो प्रॉफिट है कुछ एलीट्स खा जाते हैं ठीक है एक्सपेंडिचर ऑन द एग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इरीगेशन वगैरह पे वो ज्यूरिंग ब्रिटिश रूल वो कम था एंड एज ए रिजल्ट जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो मोस्टली क्या है रेनफेड है तो अगर आपकी रेन्स नहीं होंगी आपके एग्रीकल्चर का उस साल बुरा हाल होता है एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स वगैरह वो भी लिया गया था बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को लैंड होल्डिंग एंड शेप्स जो थे उनको वो ऑफन un, अनसाइंटिफिक थे अगर आप लैंड शेप छोटे छोटे लैंड्स में उनको डिवाइड करोगे या कोई एक प्लॉट्स में आपने उनको सही से डिवाइड नहीं किया कोई प्लॉट ऐसा है कोई प्लॉट ऐसा है तो उसमें क्या करोगे आप तो उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी जो अकॉर्डिंगली रिड्यूस होती है क्योंकि उसमें आप बाद में काम कैसे करोगे ठीक है उसमें बाद में ट्रैक्टर वगैरह वो फील्ड वो सारी चीज़ें कैसे चलाओगे तो काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जैसे जिस जो ठीक होने चाहिए तो ही आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी होगी जिसमें लैंड की शेप वगैरह वो इकोनॉमिकल है वो प्लॉट की नहीं ठीक है वो सारी चीजें कंसिडर की जाती है तो जो शेप ही अनसाइंटिफिक एंड इरेगुलर थी लेकिन कुछ स्टेज हरियाणा वगैरह उन्होंने लैंड रीऑर्गेनाइजेशन कैंपेन्स जो थे वो लेके आए थे जिसमें एग्रीकल्चर लैंड्स को रीऑर्गेनाइज किया गया रेक्टेंगुलर प्लॉट्स में और फिक्स साइजेस ठीक है उसके बाद जो लैंड रिफॉर्म्स है इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं मेजर एरियाज में पहला हो गया एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा टेनेंसी रिफॉर्म्स लेके आ गए थे सिक्योरिटी ऑफ टेनर जहाँ पे दिया गया ठीक है रेंट रेगुलेशन रिगार्डिंग कट करना उनके जो रेंट्स वगैरह है वो सारी भी लेके आए थे और एक कहाँ पे हुआ था मोस्टली आपके जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स जहाँ पे थी वेस्ट बंगाल केरला में रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग थी एग्रेरियन स्ट्रक्चर की दैट गेव लैंड राइट टू द पीजेंट्स वेस्ट बंगाल में ऑपरेशन बारगा स्टार्ट किया गया था अंडर कम्युनिस्ट लीडरशिप जिसने क्या किया था पासिंग ऑफ लेजिस फोर्स ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड बाई द शेयर क्रॉपर्स ठीक है इस चीज़ को लेके लॉज पास हुए थे लेकिन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ज्यादा कुछ काम इसने नहीं किया था लैंड ओनर जो थे वो अप्रिहेंसिव थे ऑफ एंट्रिंग इन टू द फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि वो कहते थे कि अगर ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्यर जो है टेनेंट्स को मिल गया तो हो सकता है आगे टाइम चलते चलते ओनरशिप भी खत्म हो जाए इतने सालों तक अगर कोई टेंडेंट उस लैंड पे काम कर रहा है कर रहा है तो हो सकता है आगे जाके कोई ऐसा लॉबी आ जाए कि वो लैंड अब उस टेनेंट की ही और फाइनली क्या हो जाए जिस जिसकी वो लैंड है जमींदार की उसी को एफेक्ट किया जाए तो वो होते, एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में आने से और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टेनेंट्स को प्रोवाइड करवाने से तो इसमें भी वो लूप होल्स देख के इन चीजों को एक्सप्लॉयड करते रहे लैंड सीलिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ये भी हमने पढ़ा यहाँ पे कुछ डेटा है कि कितना हुआ था और किसके स्टेट में सक्सेसफुल रहा है रीऑर्गेनाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स तो इसमें क्या क्या हुआ था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग्स हुई थी इट वाज कैरीड आउट कंसोलिडेट किया गया था लैंड होल्डिंग्स को मैंने कहा पहली जो शेप्स थी वनसाइंटिफिक एंड इरेगुलर टाइप की शेप्स थी ठीक है बाद में उनको क्या किया कंसोलिडेट करके रेक्टेंगुलर प्लॉट्स बनाए गए कोऑपरेटिव फार्मिंग इसमें इंपॉर्टेंट है जो फ्रेगमेंट fragment है फ्रेगमेंटेड स्मॉल अनइकोनॉमिकल लैंड होल्डिंग जो है उनको इकट्ठे ग्रुप किया गया था तो वो बड़े जब लैंड्स बन गए थे लैंड प्लॉट्स बन गए थे और उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया था टू मेक कल्टिवेशन इकोनॉमिकल यही है आपका जो जुम्मन का कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स ठीक है उसके बाद आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग आ गया फिर आपका अपग्रेडेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स देखो लैंड किससे लेनी है किसको देनी है कौन उसका राइटफुल ओनर है उसके लिए आपके पास रिकॉर्ड्स होना जरूरी है तो वो रिकॉर्ड्स जो है उसके लिए उन्होंने क्या कहा गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोग्राम्स लेके आए हैं इसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश की है ठीक है मॉडर्नाइज करो लैंड रिकॉर्ड्स को वो कैसे करो इसको डिजिटाइज करो ताकि लैंड रिकॉर्ड के साथ कोई टैंपरिंग ना हो अगर लैंड रिकॉर्ड्स ही आपके सही नहीं होंगे तो आप डिस्ट्रीब्यूशन आगे कैसे करोगे वो सारी चीज़ें इसमें आई प्रोग्राम जैसे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम बाय द ईयर 2022 मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैड रोल्ड आउट देयर रेस्पेक्टिव प्रोग्राम्स विद वेरिंग डिग्री ऑफ सक्सेस और जो फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग अ कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम जो है इट इज स्टिल फार फ्रॉम बींग अ रियालिटी अभी उतना हमने इसमें अचीव नहीं किया बट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट ग्रांटिंग ऑफ होम स्टेड राइट्स होम स्टेड राइट्स क्या होता है जो टेनेंट्स आपके जिस जमीन पे काम करते हैं उनको राइट है कि वहां अपना घर भी बना सकते हैं तो ब्रिटिश लॉज के अकॉर्डिंग और उन कॉलोनियल रूल्स में कॉलोनियल लॉज में आपको वो राइट नहीं मिलता था आप काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस को लेके तो क्या होता था लैंडलेसनेस एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम रह गई थी तो इस चीज पे भी काम किया गया इट प्रोवाइडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स फार्म हाउस सेट्स ऑन द एग्रीकल्चर लैंड अब इसके कॉन्सिक्वेंस देखते हैं हम थोड़ा कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंड रिफॉर्म जो थे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखेंगे दे वर फेल्ड इन द फॉर्म ऑफ टेनेंट ऑन रिलेशन पावर इक्वेश इन द विलेज इंपैक्ट ऑन रूरल इना इन इक्वालिटीज फूड सिक्योरिटी एक्सेट्रा इन सब चीज़ों पर इंपैक्ट लाया किसने आपके लैंड रिफॉर्म्स ने और जो सोशल इंपैक्ट एंड सोशल इंपैक्ट तो सोशली भी इंपैक्ट के जैसे मैंने कहा फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज हो गया ये बहुत नेगेटिव एंड पॉजिटिव आपको मिलेंगे जो इंटरमीडियरीज थे वो लार्जली एबॉलिश हो गए ओनरशिप राइट्स जो थे दे वर अवारेड टू सम सम्वेंटी मिलियन टेनेंट्स उनको ओनरशिप राइट right मिला और इंटरमीडियरीज को एबॉलिश किया गया डिस्ट्रीब्यूशन की गई लैंड की एंड मोस्ट ऑफ द बेनिफिशरीज कौन से थे एस सीज थे ठीक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप जो है उसको रिवाइज किया गया था अंडर लैंड सिलिंग लेजिस्लेशन इट लेड टू द ब्रेक डाउन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली एज अथॉरिटी ऑफ द करता जो है वो डिक्लाइन हो गई क्योंकि अब उन्हें क्या किया अपने बेटों को अलग अलग प्रॉपर्टी दे दी ताकि उनपे जो सीलिंग पुट की गई है उसका वो कुछ कर सके और वो जो उनकी सारी जमीन है वो उन्हीं के पास रह जाए इसको एस्केप करने के लिए थियोरटिकल पार्टीशन ऑफ लैंड वॉज डन इन मेनी इंस्टेंसेज एंड इवेंचुअली लेट टू तो द एक्चुअल डिविजन ऑफ फैमिली जैसे मैंने कहा फॉर्म फॉर्म ऑफ कंसील्ड टेंडेंसी केम इन टू प्रैक्टिस क्योंकि आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड tenancy वो illegal है वो इलीगल है काफ़ी पार्ट्स ऑफ कंट्री में तो उसमें क्या होता है बेसिकली आप लीज पे अपनी लैंड दे देते हो तो वो काफ़ी जगह पे इलीगल है तो क्या होता था कंसील्ड टेंडेंसी आगे आपके पास टेनेंट्स जो थे वो चोरी चोरी काम कर रहे थे और उनके लिए कि क्या, क्या, क्या हुआ ये एक बुरी बात होगी सोसाइटी के लिए क्योंकि जो कंसील्ड टेनेंट्स हैं उनके लिए कोई बेनिफिट्स नहीं आए हैं थ्रू वेरियस स्कीम्स फाइन क्योंकि वो चोरी काम कर रहे हैं चोरी से काम कर रहे हैं आप समझो एक एनआरजी ड्रॉ करो कोई विदाउट परमिट काम कर रहा है तो वो कहीं ख़ुद को रजिस्टर नहीं करेगा वो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी नहीं ले पाएगा तो ये प्रॉब्लम भी जो है इसके साथ इंक्रीज हो गई इन इफेक्ट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन लैंडलेस हाउस होल्ड नंबर जो थे वो इंक्रीज हो गए फ्रॉम नाइन पॉइंट सिक्स परसेंट टू इन के सेंसिस के अकॉर्डिंग फिफ्टी फोर मिलियन हाउस होल्ड जो थे वो अभी भी, भी कहाँ पे हैं आपके लेबर लैंडलेस लेबर कैटेगरी में एग्रेडियन क्लास स्ट्रक्चर जो था भी इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई एज ए रिजल्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म मेजर्स लैंड लॉर्ड जो थे दे वर रिच फार्मर्स और जो टेनेंट्स थे वो रिप्लेस बाय मार्जिनल फार्मर्स और एग्रीकल्चर लेबर्स ठीक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो शेयर ऑफ बैकवर्ड क्लास है वो बढ़ गया क्योंकि अब क्या होगा अब आपको अगर लैंड आप बैकवर्ड क्लासेस को दे रहे हो दैट मीनस बैकवर्ड क्लासेस खुद चाहेंगे खुद को रजिस्टर करवाने के लिए कि हम बैकवर्ड क्लास हैं ताकि वो बेनिफिट्स ले पाए ठीक है इससे क्या होगा बैकवर्ड क्लास जो होगी वो इंक्रीज होगी और कहीं ना कहीं जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो और थोड़ा डिवाइड हो जाएगा स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो और इंक्रीज हो जाएगी इन सोशलॉजिकल टर्म्स ठीक है एज पर स्टडी बाई जोया हसन जो शेयर ऑफ बैकवर्ड क्लास एंड ओनरशिप लैंड ओनरशिप ऑफ लैंड इंक्रीज फ्रॉम एट परसेंट टू थर्टी एट परसेंट लैंड जो है सिंबल ऑफ पावर एंड डोमिनेशन रहा है रूरल इंडिया में जब लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था जो डोमिनेंट क्लासेस हैं उसने वो ऑब्वियसली आगे रिटेलिएट करते क्योंकि लैंड जो है वो सिंबल ऑफ पावर था आपका वेल्थ था डोमिनेंस सब आपसे वो लैंड ले रहे हैं तो अब वो आसानी से तो नहीं दोगे ना तो काफी इसकी सेनाज भी बनी थी कास्ट सेनाज आर्मीज लाइक रणवीर सेना एंड डायमंड सेना इस रिगार्डिंग फॉर्म की गई थी रूरल अर्बन माइग्रेशन जो थे वो इंक्रीज हो गए थे तो ट्रेडिशनल सोशल टाइज एंड सिस्टम्स लाइक जजमानी सिस्टम के ख़त्म होने के बाद क्या हुआ अब आप माइग्रेट कर रहे हो क्योंकि अब इकोनॉमी जो है मॉडर्न हो रही है तो आप कहाँ पे आओगे आप मॉडर्न सिटीज में आओगे लैंड रिफॉर्म्स लेट टू द इमरजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मिडल पिजेंट कास्ट आ गए जिनको अब लैंड आप दे रहे हो ट्रेडिशनल कल्टिवेटर क्लासेज जो थी व लार्जेस्ट बेनिफिशरीज इन लैंड रिफॉर्म्स की सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन के बाद मनी सच कास्ट इमर्ज एज डोमिनेट कास्ट सीख ठीक है ग्रीन रेवोल्यूशन में सेपरेटली पढ़ना है एक डिफरेंट चैप्टर में पोस्ट नाइनटीन सेवेंटी जो पोलिटिकल कंसोडेशन है इन कास्ट की प्रोजेक्टेड देयर इंटरेस्ट ऑन नेशनल एंड स्टेट लेवल पॉलिटिकल थिएटर एज वेल तो अब क्या हो रहा है आपका जो एग्रियन स्ट्रक्चर और ये सारी चीजें आ रही है आपके पॉलिटिक्स से भी कहीं ना कहीं मिल रही है रिडोल्फ एंड रिडोल्फ ने कहा था इन द बुक इन द परस्यूट ऑफ लक्ष्मी कि जो इमर्जिंग रिच मिडिल क्लास फार्मर्स थे उनका उनको क्या इन्होंने कहा था ब्लॉक कैपिटल तो ये कीवर्ड भी आप अपने जगह याद रख सकते हो डिस्पाइट द टारगेट जो लैंड रिफॉर्म्स है डेंट हैव अ वेरी स्मूथ सेलिंग उतने सक्सेसफुली नहीं रहे क्योंकि बड़े ज़मींदार जो है उनको कहीं ना कहीं लूप होल मिलते गए लेजिस्लेशन में जिसको वो एक्सप्लॉयट वो करते रहे ट्रेडिशनल ंड इग्नोरेंस की इसका पोटेंशियल कितना है लैंड ऑर्गेनाइजेशन का हिंडर्ड कंसॉडेशन एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन इन चीजों की वजह से क्या हुआ रिडिट्रीब्यूशन कंसॉलिडेशन उतनी नहीं हो पाई क्योंकि लोगों का लैंड के साथ सेंटीमेंट वैल्यू जो था वो अटैच था और वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे इससे सोसाइटी एज ए होल को कितना फायदा होने को मिलेगा आगे का सारीज जो थी इसने भी इम्पेडिमेंट्स पुट किए एज ए रिजल्ट जो कंसोलिडेशन थी वो काफी स्टेट्स में क्या हो गई इट वॉज लार्जली ड्रॉप्ड कम हो गई इन केस ऑफ टेनेंसी लॉस जो बर्डन ऑफ प्रूफ था लाइट विद टेनेंट तो ये भी एक बड़ा लूप होता कि टेनेंट को प्रूव करना था और उनको एक्सप्लॉयट किया जाता था बाई रिच फार्मर्स वो क्या ही प्रूव करते ना उनके पास कागज़ होते थे ना वो पढ़े लिखे होते थे एक स्टडी की थी खुशरो ने 1959 में उन्होंने कहा था लैंड से फोर्सफुली एविक्ट किया जा रहा है एंड इट वाज शोन फ्रॉडुलेंटली शोन एज वॉल्टियरली सरेंडर आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा जैसे वो क्या करते थे जो गरीब किसान होते थे उनको एक सफेद पेपर पे अंगूठा मरवा देते थे उनसे उसके बाद वो क्या करते थे उस वो बोलते थे कि इन्होंने वॉलेंटियरली अपनी लैंड सरेंडर की है तो वो बाय फ्रॉडुलेंट मीन होता था उनको तो पता भी नहीं होता था उन्होंने अंगूठा किस चीज के लिए किया है टेंडेंसी रिलेटेड केसेस जो थे आर स्टिल गोइंग ऑन इन इंडियन कोर्ट्स इतनी टाइम के इंडिपेंडेंस और लॉस के बाद भी अभी भी इनको कहीं से इंसाफ पूरा नहीं मिला है ब्यूरोक्रेसी में करप्शन ये भी प्रॉब्लम है वर्किंग विद हैंड एंड ग्लोव रिच फार्मर्स कोर्ट्स जो थे वो भी कोई जस्टिस नहीं कर पाए टाइम बाउंड जजमेंट नहीं दे पाए ये सारे जो है इसके नेगेटिव है लैंड रिफॉर्म्स के क्या इंपैक्ट -क्या रहा सोसाइटी पे ऑफ्टर द लैंड रिफॉर्म्स इग्नोर जेंडर डायमेंशन ऑल्सो ठीक है तो इसमें फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर भी बढ़ती रही Uh, आपके एग्रीकल्चर फील्ड में क्योंकि जो मै मैन थे आपकी सोसाइटी के वो कहाँ चले गए वो सिटीज में चले गए काम करने के लिए तो पीछे लेडीज रह गई तो जब आप लैंड रिफॉर्म्स लेके आ रहे हो क्या उसमें फीमेल के लिए कोई पर्टिकुलर आपने लॉ या कोई बेनिफिट लेके आया है नहीं तो वो चीज़ों को इग्नोर किया गया इन ऑलमोस्ट ऑल इंस्टेंसिस राइट्स ऑफ वुमेन ऑन लैंड वर टोटली इग्नोर कि वो काम भी कर रही है और उनको कोई राइट right भी नहीं मिल रहा है विद एक्सप्ल कॉलोनल रूलर्स गॉन नाउ जो एगेरियन क्लास है इट द लैंडेड फार्मर्स एज अनादर ग्रुप ठीक है तो क्या हुआ था ये आपके दो ग्रुप्स थे डिस्टिंक्शन ग्रीव शार्पर एज अ रूट्स ऑफ मार्केट इकॉनमी पेनिट्रेटेड डीपर इन इंडिया नई एग्रेडियन मूवेंट्स आई इंडिपेंडेंट इंडिया में एंड इट वाज नाउ डिवाइडेड इनटू टू टू डिस्टिंग ग्रुप्स एक आपकी प्रेजेंट मूवमेंट चल रही थी एक फार्मर मूवमेंट चल रही थी फार्मर मूवमेंट को हम न्यू फार्मर मूवमेंट भी बोलते हैं हमें सोशल मूवमेंट्स वाले चैप्टर्स में आगे पढ़ना है कुछ बेनिफिट्स वगैरह भी दिए गए जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट लेके आती है लोन वेवर्स वगैरह तो एम क्या होते हैं अगर आपका जो प्राइस है जो आपको फार्मर्स को नहीं मिलता है वो मार्केट से जितना आपने कॉस्ट इनकर किया होता है प्रोडक्शन में किसी प्रोडक्ट की उतना उनको प्रॉफिट वापस रिटर्न नहीं मिलता है मार्केट से उस प्रोडक्ट पे तो गवर्नमेंट उनको प्रॉमिस करती है एक अमाउंट के एम जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो अगर वो उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा गवर्नमेंट मार्केट uh, से तो वो गवर्नमेंट उनको पे करेगी किसी किसी प्रोडक्ट पे उन्होंने एमएसपी रखा होता है कि एटलीस्ट इतना अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट उनको उस प्रोडक्ट का पे करेगी इसीलिए उनको उस प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है वो करनी चाहिए वो टेंशन नहीं लेना चाहिए ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में विध लिमिटेड सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स काफ़ी स्टेप्स जो है सिविल स्टिल नीड इमीडिएट एक्शन पोर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड अबाउ सीलिंग की उसको पहले आइडेंटिफाई करो प्रॉपरली बेनामी ट्रांसफर्स को आइडेंटिफाई करो ये अभी भी हमारे बड़े इशू रहते हैं जिनपे काम करने की जरूरत है वेस्ट लैंड का इम्प्रूव करना कि अगर आप Uh, क्या कर रहे हो नई लैंड्स की ट्रांसफर की बात कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो तो जो लैंड्स आपकी वेस्ट लैंड हो गए जो प्रोडक्टिव नहीं है उन पे काम करना शुरू करो उसके पास उससे क्या होगा आपका जो लैंड पूल है ये सारा ये आपके पास ज्यादा हो जाएगा और ऑब्वियसली वो ज्यादा लोगों को फिर बेनिफिट करेगा लीगल एंड फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करो टेनेंट्स के लिए अगेंस्ट देयर एविक्शन फ्रॉम द होम स्टेड इज अनदर एरिया ऑफ कंसर्न Issues, land में हो रही है गवर्नमेंट को की आप लेजी नहीं हो जाओ और उस पर काम करते रहो हेंस लैंड लिबरलाइजेशन जो है एंड द फैक्ट दैट इट है मार्केट कमोडिटी कहां एंड सोशल एक्टिविस्ट ने भी वॉर्न किया है गवर्नमेंट को कि कंप्लेसेंट पोजीशन ना लो एंड दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन इन द वेक ऑफ लिबरलाइजेशन की वजह से जो कंप्लेसेंट हो गई है गवर्नमेंट एंड द फैक्ट इज दैट इट हैज़ ऑलमोस्ट डी फैक्टो डिक्लेयर लैंड एज अ मार्केट कमोडिटी कि लैंड को अगर आप मार्केट कमोडिटी आप डिक्लेयर कर दो तो क्या होगा आप सिर्फ प्रॉफिट की बात करोगे और उसमें वेलफेयर मेजर्स आपके नहीं रहेंगे तो वो चीज़ें इनको नहीं करनी चाहिए ये भी एक कंसर्न रहता है एंड लैंड एक्विजिशन जो है ये एक डिबेटेड इशू बन गया है हमारे लिए काफ़ी एक्ट भी लेके आते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का आया था जिसने रिप्लेस किया था पुराने लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894 तो जो लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ uh, 213 है वो आपको क्या कहता है कि अगर गवर्नमेंट क्या है वो लैंड ले रही है किसी की ठीक है फॉर पब्लिक यूज़ के लिए या पब्लिक एज अ पब्लिक रिसोर्स तो उसको क्या करना है कितनी कंपनसेशन वगैरह पे करनी है उनको तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें रिडिफाइन की गई हैं ठीक है अगर किसी प्राइवेट लैंड ओनर से आपको लैंड लेनी है तो उसके लिए आपको परमिशन लानी है वो नहीं ले सकते हो आप बींग अ प्राइवेट एंटिटी ठीक है लेकिन अगर गवर्नमेंट लैंड ले रही है तो उसको परमिशन नहीं चाहिए लेकिन उसको एडुकेट कंपनसेशन वगैरह प्रोवाइड करना होगा तो ये सारी बातें इस एक्ट में बोली गई हैं लैंड रिफॉर्म जो है इसने इतना इफेक्ट नहीं लाया इंडिया में जितना बाकी जगह लाया है जैसे चाइना वगैरह में एंड नॉट डिड दे ब्रिंग एनी रेडिकल इतनी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट की जितनी चाइना में की थी और इतनी ज़्यादा चेंजेस भी नहीं लाई जितनी जापान में लेके आए थे तो प्रोफेसर एम एल दंतेवाला इंपॉर्टेंट नाम है याद रख लेना उन्होंने कहा था रिफॉर्म्स हैड बीन मोर और लेस इन राइट डायरेक्शन लेकिन प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन उनकी नहीं हुई तो रिजल्ट जो है वो सेटिसफैक्ट्री नहीं थे तो यहाँ पे कुछ डेटा एग्रीकल्चर सेंसस के अकॉर्डिंग 2015-16 में द एवरेज साइज ऑफ जो ऑपरेशन लैंड होल्डिंग था वो काफ़ी कम हो गया ठीक है एज कम्पेयर टू थर्टीन एकर्स इन टू थाउजेंड टेन इलेवन लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन जो है वो भी अनएकम्पलिश्ड गोल ही रहा ऑलमोस्ट अराउंड ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ऑल केसेज जो सिविल कोर्ट्स में है वो लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स में ही अभी भी पड़े हुए हैं एंड उसका इकनॉमिक कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ता है फार्मर को क्योंकि केस कोर्ट में केस लड़ना भी आसान नहीं होता उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा जो है फाइन uh, आंसर जो है पे स्पेंड करने पड़ते हैं एम एस स्वामीनाथन चेयरमैन ऑफ फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स को क्या कहा था एक अनफिनिश्ड एजेंडा है अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बात करी थी तो ये जो है इसमें भी कुछ पॉइंट्स लेके आपके आंसर का इंट्रोडक्शन अच्छा खासा बन जाएगा अनफिनिश्ड एजेंडा वाली बात करोगे प्रोफेसर एम एल दंतेवाल ने क्या कहा था ये भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो तो हम नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन uh, डिस्कस करेंगे पहले देखते हैं क्वेश्चन बोला क्या है विलेज स्टडीज जो है इंडिया में फेस्ड द चेंज फेस ऑफ सोशलॉजिकल स्टडीज इन इंडिया डिस्कस ठीक है तो आपको उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखने हैं आपको क्रिटिकली डिस्कस करना होगा विलेज स्टडीज आगी तो पहले थोड़ा बुक स्टडीज बुक व्यू का लिखोगे कि उसने उस बुक व्यूज जो थी वो सही नहीं थी इंडियन सोसाइटी के लिए और क्या किया था उन्होंने जेनरेट एक सीसो पिक्चर स्टार्टिक आइसोलेटेड एंड यूर सेल्फ सफिशन ऑर्थोडॉक्स पिक्चर जिसको फाइनली विलेज स्टडीज कौन सी होगी आपकी जो अपनी फील्ड स्टडीज विलेजेस में की थी फील्ड स्टडी से वो चेंज हुआ तो विलेज स्टडी पॉपुलर हो गई आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एज जो विलेजेस ऑफ इंडिया थे वो अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट इंडोलॉजिकल बुक व्यू का पहले थोड़ा लिखोगे कि वो क्यों प्रॉब्लमेटिक था ठीक है ब्रिटिशर्स ने अपनी व्यू जनरेट करने की कोशिश की वो सीसो वाली एंड देन ओवर हार्मोनियम किन्नी की थी नेशनलिस्ट ने की थी ठीक है तो हम कहीं राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे थे उसके बाद काफी लोग आए जिन्होंने क्या किया डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन अप्रोच यूज की टू स्टडी द इंडियन विलेजेस इन द एम्पेरिकल फैशन दैट इज फील्ड स्टडी जो है वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड स्टडी आपने करी विलेजेस की उसमें कुछ नाम थे एफजी बेली डेविड पोकॉक मैकिम मैरियट एम एन श्रीनवास एस सी दुबे वगैरह सारे नाम हमने पढ़ लिए हैं विलेज स्टडीज डेंट एम एट कमिंग अप विद ग्रैंड थियरटिकल फिर इनके बारे में थोड़ा लिख लोगे विलेज स्टडीज़ ने क्या किया एंड देन उससे कैसी हेल्प हो गई वो वाला पैराग्राफ एक लिखोगे एंड उसके बाद थोड़े विलेज स्टडीज़ के क्या नेगेटिव रहे हैं वो भी आप इसमें लिखोगे ठीक है विलेज स्टडी का थोड़ा क्रिटिसाइज़ करोगे फिर बाद में एक पॉजिटिव नोट पे आंसर को एंड करोगे कि जो विलेज स्टडीज़ है इन द व वोकेबलरी ऑफ द यंग डिसिप्लिन इन इंडिया और कुछ टर्म्स जो हमें विलेज स्टडीज से मिली तो विलेज स्टडी प्रोवाइडेड द डिसिप्लिन डेफिनेटिव डिरेक्शन विच हैज़ प्रूवन इट्स यूटिलिटी इवन टिल डेट ठीक आपका कंडीशन ऑफ प्रेजेंट्री रिमेन अनचेंज इन मॉडर्न इंडिया इरेस्पेक्टिव ऑफ द रूलर्स डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीरियड रेंजिंग फ्रॉम द रूल ऑफ लेटर मुगल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ ट्वेंटी एथ सेंचुरी तो पीजन, की जो कंडीशन है ये अनचेंज ही रही मॉडर्न इंडिया में इेस्पेक्टिव द रूलर्स तो पहले आपके कौन से थे मुगल्स आ गए तब भी बुरा हाल था उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए तो और बुरा हाल हो गया पहले आप थोड़ा जो हमने अपने इसमें वीडियोज में डिस्कस करा है मुगल्स के टाइम पे क्या सिस्टम था ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या सिस्टम बाद में आया वो थोड़ा लिखोगे फिर आपको लिखना है इन द कंटेक्सट ऑफ पीरियड रेंजिंग फ्रॉम इतना टू तो इतना क्या बुरा हाल ही रहा वो सारी जो बुराइयां हमने की मुगल और ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो सारी आपको यहाँ पे सेकेंड पार्ट में इसकी लिखनी है तो पहले लैंड का थोड़ा लिख लोगे औरंगजेब उस टाइम पे जागीरदारी सिस्टम कैसे था इट वॉज देंबस्टिट्यूटेड बाय जमींदारी सिस्टम ब्रिटिशर्स के टाइम पे इनफैक्ट जमींदारी सिस्टम एडेड एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ इंटरमीडियरीज हु एक्सप्लॉयटेड द एक्सप्लोइ दिन फर्दर ठीक है ये पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसके बाद इस पैराग्राफ में आप क्या करोगे ब्रिटिशर्स का लिखोगे जो ब्रिटिशर्स ने uh, के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स फेस की थी वो 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 फिर इनफैक्ट ट्रेडिशनल रूरल इकोनमी जो थे एंड हैंडीक्राफ्ट द क्लाइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एंड लेट टू द ओवर क्राउडिंग ऑफ द एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर इससे जो प्रेजेंट क्लास है और ज्यादा लेस अट्रैक्टिव बन गई एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस फिर जो क्या प्रॉब्लम्स uh, फेस करनी पड़ी थी इंडिया जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर डेटा जो था कि कितने परसेंट एग्रीकल्चर में थे कितना परसेंट जीडीपी था कितने परसेंट जो थे लैंडलेस हो गए थे वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकोगे फिर लास्ट में दो तीन लाइन में आप ये भी उसमें रिफॉर्म्स का थोड़ा लिख सकोगे पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म क्या क्या इंप्रूव करने की किन लाइन्स पर कोशिश की वो अपने कंक्लूजन की एक दो लाइन्स उसमें आप बना सकते हो ठीक है ये हो गया आपके दो क्वेश्चन थर्ड देखते हैं डिफरेंट कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सिस्टम सिस्टम बट लेटर ऑन दे कन्वर्ज टू द ऑफ द डिसन क्राइसिस तो बेसिकली इसमें आपको क्या लिखना है डिफरेंट कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सिस्टम वो कौन कौन से थे आपके परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ठीक है और सेकेंड था आपका रेतवारी एंड थर्ड वन ए महलवारी सिस्टम फाइन तो आपको क्या बोलना है इसमें कैसे स्टार्ट करना है कि ब्रिटिशर्स के पास एक्चुअली दो चॉइसेस थी या तो वो डिफरेंट पूरा एक डिफरेंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेके आते रेवेन्यू के लिए या तो स्पेशली लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन या तो वो एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वही यूज़ करते उन्होंने क्या किया उन्होंने थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो मुगल वाले सिस्टम का रखा तो उसको उन्हें मॉडिफाई किया उन्होंने एक मिडिल पाथ चूज़ किया ठीक है तो आप बोल सकते हो ये पहली लाइन आपकी इसमें ये हो गया पहला कंडीशन फुलफिल कि जो डिफरेंट कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स है वो मॉडिफिकेशन थे लोकल सिस्टम्स के तो दो चार लाइनों में आप लिखोगे लोकल सिस्टम में क्या चल रहा था वो हमने सारा डिस्कस किया है उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की फिर कौन से तीन लॉ लेके आए थे सेटलमेंट सिस्टम्स वो आपके ये थे आप परमानेंट एंड रोतवारी एंड महलवारी फिर लेटर ऑन दे कन्वर्ज ऑन टू द डिसएडवांटेज ऑफ द एग्रेरियन क्लास ठीक है तो आपको क्या करना है फिर बाद में इनका नेगेटिव लिखना है कि कैसे इन्होंने एग्रेरियन डिस्ट्रेस्ट जो है उसको इन पॉलिसीज के थ्रू बढ़ाया और कैसे पिजेंट्स की जो एक्सप्लेटेशन है वो बहुत ज्यादा हो गई तो वो सारी चीजें हम आप यहाँ पे लिखोगे इवन सिस्टम लाइक रोतवारी विच इज़ ऑफन प्रेजेंट एज अ बेनोविलेंट सिस्टम क्योंकि रोतवारी को बेनोविलेंट प्रेजेंट किया जाता है क्योंकि बोलते हैं कि इसमें इंटरमीडियट इसको हटाया गया और जो आपके ऑफिशल्स हैं वो डायरेक्टली किसी कोन्टैक्ट करेंगे रोत से लेकिन फिर भी जो रोतवारी सिस्टम है इसके नेगेटिव काफी ज्यादा थे उनकी एक्सप्लोटेशन इससे बढ़ती गई सिमिलरली महालवारी का भी आप लिखोगे ऑल एंड ऑल डिफरेंट लैंड रेविन्यू सिस्टम्स जो थे वो डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देर कॉस्मेटिक फीचर्स ऑनली लेकिन देवर इक्वली डिसएडवान्टेजेस टू द इंडियन इंडियन एक्रियन क्लास तो कहीं पर भी आपको इन सिस्टम

तो ये आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है अब हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह हमारा फोर्थ चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से तो टिल द टाइम में आप लोग नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे